हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलम हाउस की तरफ से आने वाली स्लैशर फिल्म ब्लैक क्रिसमस के ट्रेलर के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस ट्रेलर में, जिस वजह से ये फिल्म हमें ज्यादा एक्साइटेड कर पाती भी है या नहीं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि ये फिल्म एक्चुअल में एक रीमेक है, वो भी कल्ट क्लासिक ब्लैक क्रिसमस फिल्म की, जो कि आई थी 1974 में, जिसके बाद उसी फिल्म का एक गंदा वर्जन रीमेक किया गया था, जिस फिल्म का नाम भी ब्लैक क्रिसमस ही रखा गया था, जो कि आई थी 2006 में। और दोनों ही फिल्में हिंदी में अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 2006 की द ब्लैक क्रिसमस फिल्म एक गंदा रीमेक थी ओरिजिनल ब्लैक क्रिसमस फिल्म की, और इस बार इसकी जिम्मेदारी बॉलम हाउसेस ने ली है, जिनकी तरफ से कभी फिल्में अगर बन जाए तो काफी अच्छी बनकर निकल आती है, फिल्में जैसी कि गेट आउट और हॉलोवीन। अगर बॉलम हाउस में फिल्में बेकार बनती रहे तो बस वो बेकार ही फिल्में रहती है। लेकिन इस केस में बात करें फिल्म ब्लैक क्रिसमस की, आई मीन 2019 की आई हुई ब्लैक क्रिसमस फिल्म के ट्रेलर की, तो इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर हमें एक्चुअल में ये पता चलता है कि इस फिल्म में काफी सारे एलिमेंट अलग डाले गए हैं। जैसे कि इस बार वो किलर अकेला नहीं बल्कि एक ग्रुप में है, जिस ग्रुप को किसी कल्ट के लोग चलाते हैं, और उनमें इन लड़कियों के प्रोफेसर और कॉलेजेस के कुछ लड़के भी शामिल है। लेकिन वो सभी लोग कौन है उनकी डिटेल खुलकर हमें फिल्म के ट्रेलर में दिखाई नहीं गई। लेकिन एक चीज जो दिखाई गई है उससे मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, वो चीज है ट्रेलर में दिखाई गई फिल्म की पूरी स्टोरी। बस छोड़ दिया गया है फिल्म का मेन सस्पेंस के कातिल है कौन, तो ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी लगी है। और बात करें फिल्म के अलग चेंजेस की, तो एक डिटेल अभी मैंने आपको दी, और दूसरी डिटेल है कि इस बार वो कातिल उसी के रह रहे घर में किसी लड़कियों को नहीं मारने वाला है। इस बार उसका निशाना है सोरोरिटी सिस्टर्स, जो कि गर्ल्स हॉस्टल में रहती है, जिनमें ज्यादा फोकस हमें दिखाया गया है चार मेन कैरेक्टर्स पर, आई मीन चार सिस्टर्स पर, जो डट कर इन किलर्स या फिर इस किलर का सामना करने वाली है। तो सिर्फ बॉलम हाउस स्टूडियो के नाम की वजह से हम इस फिल्म के लिए थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो सकते हैं। बाकी फिल्म के प्लॉट को लेकर जो भी डिटेल मैंने आपको दी है और बाकी जो भी चीजें हमने इस फिल्म के ट्रेलर में देखी है, उससे तो फिल्म की पूरी स्टोरी स्पॉइल हो गई है, और सस्पेंस फिल्म के एंड में ही खुलेगा, जिसका पता लगाने के लिए हमें पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। और ऑब्वियसली ये फिल्म हिंदी में तो रिलीज होने वाली है नहीं, और रिलीज डेट फ्राइडे द 13th यानी 13 दिसंबर है। और बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सोफिया टैलेक ने, जिन्होंने इसके पहले अपने करियर में ऑलवेज शाइन जैसी फिल्म बनाई है, जो कि एक ठीक ठाक फिल्म ही थी, ना कि ज्यादा ग्रेट। और फिल्म की कास्ट की बात की जाए तो सिर्फ दो ही एक्टर्स नोन हैं, जिनमें से एक है प्रोफेसर का रोल कर रहे एक्टर कैरी एल्विस, और दूसरी फिल्म की लीड एक्ट्रेस इमोजिन पॉट्स, जिन्हें मुझे लगता है मैं काफी सालों बाद देख रहा हूँ। वेल, तो अब इस अनसरप्राइजिंग ट्रेलर को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।